नमस्ते बच्चों, आज के इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है बालिका दिवस, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया है कि बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की तासिका को। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं और उसमें जो चर्चा होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। देखो बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर कि कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। उसी वक्त क्या होता है, सामने से सृष्टि आती है। तो दुर्वा क्या कहती है, और बच्चों ये पाठ है, ये एक संवादात्मक पाठ है। मतलब इस पाठ में बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और वही आपको इसमें दिखाया गया है। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बनठन कर आई हो। अब यहाँ पर बनठन कर आना मतलब सच सवर कर आना। तो दुर्वा सृष्टि से कहती है कि आज क्या है, तुम इतनी बनठन कर क्यों आई हो। तो सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तो उसी वक्त सृष्टि ने बताया कि आज क्या है, 3 जनवरी है, और आज ये 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी वक्त प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो बच्चों, ये जो बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले इनका जन्मदिवस है। अब ये दिवस मतलब सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस ही बालिका दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। मतलब सावित्रीबाई फुले ने जो काम किए हैं लड़कियों की जिंदगी में, एक बदलाव लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए थे, तो इसीलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक छोटे गांव में हुआ था। 9 साल की छोटी उम्र में ही सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव फुले के साथ किया गया। विवाह के समय सावित्रीबाई की कोई भी शिक्षा नहीं हुई थी, मतलब उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, वो कभी भी स्कूल में नहीं गई थी। इसका कारण क्या था, क्यों नहीं गई थी वो, क्योंकि उस समय शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही दिया गया था। क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाई करने का हक नहीं था, सिर्फ जो उच्च जाति के पुरुष होते हैं उनको ही ये हक दिया गया था, और जो दलित और महिला थी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब इनकी शादी मतलब सावित्रीबाई फुले जी की शादी ज्योतिराव फुले के साथ हुई, तो ज्योतिराव फुले ने क्या सोचा कि मैं अपनी जो ये बीवी है, अपनी जो पत्नी है, इनकी शिक्षा पूरी करूँगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने उनका दाखिला एक विद्यालय में कराया। लेकिन जो समाज था उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी सावित्रीबाई ने अपना पूरा अध्ययन पूरा कर लिया, पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में
बालिकाओं के लिए मतलब लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। ये हमारे महाराष्ट्र की मतलब महाराष्ट्र का ये पहला विद्यालय था, ठीक है। और ये जो सावित्रीबाई फुले थी ये पहली शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्त्री की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने तो स्कूल तो पहला शुरू किया ही महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से आज लड़कियां स्कूल में जाती है। आपने देखा होगा कि आज लड़कियां लड़कों के बराबरी से पढ़ाई करती है, उनके बराबरी से हर चीज़ में आगे गई हैं, और उसका पूरा श्रेय जाता है सावित्रीबाई फुले जी को। और इसीलिए इनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जीशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। इसी बात पर जीशान ने भी कुछ जानकारी दी। उसने कहा कि सच है, आजकल तो सभी लड़कियां स्कूल जाती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़की स्कूल नहीं जाती, पाठशाला जाती है। पाठशाला मतलब विद्यालय मतलब स्कूल, और पढ़ाई लिखाई में तो वो आगे है ही, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ जो अन्य अलग अलग क्षेत्र हैं, क्षेत्र मतलब अलग अलग विभाग हैं, उनमें भी उन्होंने बहुत ही प्रगति की है। इसके बाद मंत्र ने कहा, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो उसी बात पर मंत्र ने भी कहा कि सचमुच समाज सेवा हो मतलब समाज के लोगों की सेवा करना हो, या फिर शिक्षा हो, शिक्षा मतलब एजुकेशन, उसके बाद विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, संगीत, संगीत मतलब म्यूजिक, प्रशासन, प्रशासन मतलब जो गवर्नमेंट होती है, उसके बाद शोध कार्य, शोध कार्य मतलब रिसर्च वर्क जिसे हम खोज कार्य भी कहते हैं, और खेलकूद, खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स। इन सभी क्षेत्रों में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ये तो आपको पता ही है कि सभी क्षेत्रों में लड़कियों ने बहुत सी मेहनत करके बहुत सी प्रगति की है, और अपने देश का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, उसमें भी लड़कियां बहुत काम कर रही हैं। उसके साथ ही संगीत, म्यूजिक है, इसमें भी हमारी लड़कियां आगे हैं, और खेलकूद में भी वह अपना नाम रोशन कर रही हैं। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। इसके बाद सृष्टि ने कहा कि उसकी माँ उसे हमेशा बताती है कि शिक्षा मतलब एजुकेशन, पढ़ाई हमें स्वावलंबी बनाती है मतलब स्वतंत्र बनाती है, खुद के पैरों पे खड़ा रहना हमें सिखाती है, उसके साथ ही सजग बनाती है। सजग मतलब जागरूक। अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें हर चीज़ की जानकारी होती है और हम स्वावलंबी बन जाते हैं, खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हैं, हमें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन लिया है, शिक्षा ली है, तो आप अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी पा जाते हो और आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, और आपकी जो ज़िंदगी है वो सफल हो जाती है। इसके बाद भैया ने कहा, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो सच है बच्चों, जब एक लड़की पढ़ती है तो वो क्या करती है, अपने जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, सबको वो पढ़ाती है। अपने आसपास जो भी है, उसके भाई बहन हो या कोई भी उसके आसपास होता है, उसको वो पढ़ाती है। तो जब एक लड़की पढ़ती है तो उस वजह से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और इसलिए प्राची कहती है कि हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, हम
सजग हो जाएंगे और उसके साथ ही स्वावलंबी हो जाएंगे। और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और जब एक परिवार पढ़ेगा तो इन परिवारों से ही समाज बनता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा सारा समाज सुधर जाता है, उसके साथ ही समाज के साथ ही हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो इसीलिए एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ ये देश भी आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए सभी मिलकर कहते हैं कि खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। प्राची कहती है हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो प्राची कहती है कि हमें भी मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, हम स्वावलंबी बन जाएंगे, सजग बन जाएंगे, जागरूक बन जाएंगे, खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और इसलिए क्या होगा, जब एक व्यक्ति पढ़ता है तो समाज की प्रगति होती है, और जब समाज की प्रगति होती है तो अपने देश की प्रगति होती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और सभी साथ में कहते हैं कि खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ोगे, आपका विकास होगा, आपकी प्रगति होगी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने किस तरह से देखा कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, और लड़कियां किस प्रकार आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। इसलिए हमें हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मदद करनी है। तो चलो इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। दिवस मतलब दिन, प्रथम पहला, विद्यालय पाठशाला, समाज सेवा मतलब लोगों की सेवा, प्रशासन मतलब हुकूमत, शोध कार्य मतलब खोज कार्य, स्वावलंबी मतलब स्वतंत्र, सजग मतलब जागरूक, और क्षेत्र इस शब्द का अर्थ है विभाग। बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब आपको यहाँ पर एक कोष्ठक दिया है, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, और उसमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि बालिका दिवस, शिक्षिका, पुणे, स्वावलंबी। अब हमें क्या करना है, इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे पहला वाक्य आप देख सकते हो, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला डैश में शुरू हुई थी। यहाँ पर हमें सही उत्तर लिखना है पुणे। दूसरा वाक्य है, शिक्षा हमें डैश और सजग बनाती है। इसका उत्तर है स्वावलंबी, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को डैश दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। चौथा वाक्य है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम डैश मानी जाती है। इसका उत्तर है सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है, दुर्वा खूब बंठन कर आई थी। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है, सृष्टि बहुत बंठन कर आई थी, दुर्वा नहीं, दुर्वा के घर सब बच्चे एकत्रित हुए थे और सृष्टि बंठन कर आई थी, इसलिए ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब हमने इस पाठ में पढ़ा है बच्चों कि बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, और इसीलिए यह वाक्य गलत है। तीसरा वाक्य, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी, तो नासिक यह गलत है।
चौथा वाक्य देखिए बच्चों, लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यह वाक्य सही है और इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। पांचवा वाक्य देखिए, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। यह वाक्य भी सही है। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ में देखा किस तरह बालिका दिवस के बारे में हमने जानकारी हासिल की और इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमने देखे। तो आप क्या करोगे, ये सारे प्रश्न अब की जो नोटबुक है इसमें लिखोगे, ये पाठ अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली तासिका में, तब तक धन्यवाद।